लिखिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई फोर्स का, ये होता है किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट भी, किलोग्राम है वेट। वेट क्या होता क्लास, याद है वेट को भी फोर्स बोलते हैं, एमजी लिखते हैं उसको, एमजी। यूनिट नंबर सिक्स याद है, व्हाट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में ये एफ इज इक्वल टू एम ए ले सकते हैं इसको, ये भी एक्सेलरेशन तो है बट ड्यू टू ग्रेविटी, यस सर ना। तो मेरा फोर्स 1 किलोग्राम फोर्स कब होगा, 1 kgf, जो मेरा मास कितना होगा 1 किलोग्राम, और मेरा जी का वैल्यू कितना होगा 9.8 meter per second square। समझ में आई बात है, एब्सोल्यूट में फर्क क्या है, वहाँ पे 1 था भाई, 1 meter per second square, तब जाके बोला था 1 newtons बनाएगा, समझ में आया, क्योंकि जी इंक्लूड किया गया है भाई, इसलिए क्या है ग्रेविटेशनल यूनिट है भाई, ओके। तो कितना, अगर आप 1 किलोग्राम फोर्स, वो फोर्स हो भाई जिसमें हम एक बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका मास कितना हो 1 किलोग्राम, ओके लिख लीजिएगा 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स और वेट, 1 किलोग्राम वेट इज दैट फोर्स, इट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, in a body ऑफ मास 1 किलोग्राम, राइट हो गया, कि 1 किलोग्राम की बॉडी में अगर 9.8 meter per second square से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है उस फोर्स का नाम क्या है 1 किलोग्राम फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया अभी, सेकेंड लिखिएगा इसका सीजीएस यूनिट क्या होती है अभी, तो सिंपल अभी सीजीएस यूनिट होती है 1 ग्राम फोर्स भी, 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट लिख सकता हूँ, 1 ग्राम वेट, ठीक है सिंपल है, कुछ अलग नहीं करना, 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होगा, अब सारी चीज़ें किस में डालनी है आपको, सीजीएस में डालनी है, 1 ग्राम फोर्स, मास कितना होगा भाई 1 ग्राम, और ये डालो सीजीएस के अंदर इसको 9.8 meter per second square को, मीटर किस में डालें, सेंटीमीटर में, कितने होते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो ले सकता हूँ इसको 9.8 into 100 centimeter per second square, सही लिखा है मैंने, यस सर नो, तो ये 980 हो गई, तो कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन 980 centimeter per second square, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी के अकॉर्डिंग सर कर लोगे, तो लिख लीजिए क्या होता है 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 980 centimeter per second square, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास वन ग्राम, समझ में आई, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टेड मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर में, कनेक्टेड मोशंस क्या होता है अभी, देखो एक बॉडी चल रही है अभी, इसका दूसरी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, अगर एक बॉडी के मोशन का फर्क दूसरी बॉडी में पड़ता हो तो इट इज कॉल्ड कनेक्टेड मोशंस। कोई एग्जांपल दे सकते हो, एक कार चल रही है, तुम बैठ के अखबार पढ़ रहे हो, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ ही नहीं पड़ रहा भाई, यस और नो, कर लोगे, किसी एक बॉडी के मोशन का इफेक्ट दूसरी बॉडी के मोशन पे गिर रहा हो इट इज कॉल्ड कनेक्टेड मोशंस।
कभी कुएं से पानी निकाला है? पुली सिस्टम देखा है वहाँ पे कूले पे पुली लगी होती है, तो पुली सिस्टम कैसे काम करता है? आपने रस्सी खींची है, आपके हाथ के मोशन का फर्क बल्टी पे पड़ रहा है, सही है कि नहीं है? तो क्या हो, कनेक्टेड मोशन सर, सिंपल है, कर लोगे? तो हमारे पास एक पुली सिस्टम है। अभी पुली सिस्टम आते हो, पुली देखी है किसी ने? किसने किसने देखी है? वो चक्कर सा घूमता है, नहीं देखा अभी? कोई देखा तुम लोगों ने? जाके कुएं में डूब मरो भी, है ना भी? यस और नो? देख भी लोगे? यस और नो? या आपने देखा हो किसी पुली देखी हो कि सामान खींचते हैं पुली से? देखा होगा, साइकिल का पहिया घूमता है चैन के साथ भाई, इट इज पुली सिस्टम भाई। पैडल मारोगे पहिया चलेगा, आपस में जुड़े हुए हैं, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इट इज ए पुली सिस्टम। तो देखिए एक पुली है भाई, इसको लेते हैं फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन ही ले रहे हम लोग इसका। इसके ऊपर से एक रस्सी पास की हुई है ऐसे, यही होता है पुली सिस्टम। यहाँ पे एक मास बंधा हुआ है भाई, इसको मैं M1 ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मास बंधा हुआ है, इसको M2 ले लेते हैं। ओके, मान लेता हूँ कि M1 बड़ा है M2 से भी, मर्जी है कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। M1 बड़ा है M2 से तो क्या होगा भाई? ये नीचे आएगा, जितना ये नीचे आएगा इतना ऊपर भी जाएगा भाई। तो दोनों के मास आपस में जुड़े हुए हैं, और किससे जुड़े हुए हैं? रस्सी से जुड़े हुए हैं। रस्सी एक ही है, रस्सी को खींचोगे तो रस्सी में टेंशन बनती है भी। टेंशन बोलते हैं खिंचाओ, वो भी एक फोर्स है। और एक रस्सी अगर यूज कर रहे हो तो हर जगह पर टेंशन की वैल्यू बराबर होती है, ऐसा नहीं यहाँ पर खिंचाओ ज़्यादा है यहाँ पर बीच में कम होगा फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भी रस्सी एक यूज़ कर रहे हो, धागा एक यूज़ कर रहे हो, तो खिंचाओ भी क्या होगा, टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा हर जगह पर। दो हैं तो दोनों में अलग अलग हो सकता है। एक सिंगल रस्सी है मेरे पास तो टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी? टेंशन क्या होता है? फोर्स ही है, फोर्स को ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बॉडी का वेट कहाँ पे होगा भाई? M1 बॉडी का वेट हमेशा नीचे होता है। वेट कैसे लिखते हैं? M1 जी, वेट होता है mg से, तो M1 जी। इसका वेट कहाँ पे होगा? इसका भी नीचे होगा भाई, M2 जी। यस और नो? वेट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, कर पाओगे? ये मैं मान रहा हूँ कि M1 ज़्यादा है M2 से तो नीचे आएगी विद सम एक्सेलरेशन, ए मान लेते हैं, तो ये ऊपर जाएगी भाई सेम एक्सेलरेशन से, जितना ये नीचे आएगी उतना ये ऊपर भी जाना है इसको। यस और नो? कर पाओगे? अगर ये वेट की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? टेंशन बनेगा, जो इस क्या उल्टा होगा भाई, खिंचाओ ऊपर की तरफ बनता है अप्लाइड फोर्स से भी। कर रहे होगे? ये क्या है? टेंशन टी। इसका कहाँ पे बनेगा टेंशन? इसका भी वेट नीचे है तो खिंचाओ क्या बनेगा? ऊपर बनेगा, इट इज टेंशन टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रस्सी को खींच रहे हो ऐसे तो खिंचाओ कहाँ पे है? आपके फोर्स का उल्टा, ऐसे बनता है खिंचाओ उसमें। आप रस्सी खींच रहे हो, रस्सी आपको खींच रही होती है, न्यूटन थर्ड लॉ आएगा कुछ देर में, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर लोगे उसको क्या बोलते हैं? ये आपके एक्शन का रिएक्शन है टेंशन टी। आप उसको ऐसे खींचते हो तो रस्सी आपको उल्टा खींचती है। अब डिपेंड करता है, आप ज़्यादा फोर्स है तो उसको खींच ले जाओगे इस तरफ, उसको रस्सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको खींच ले जाएगी। यस और नो? रस्सी का उस तरफ भी कुछ बंधा होगा भाई, घोड़ा बंधा हुआ उस तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आंसर, ये समझ में आया सिस्टम भी सारा? इसको बोलते हैं कनेक्टेड सिस्टम भाई, आपस में जुड़े हुए सारी चीज़ें। अब आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ए निकालो और टी निकालो, सिंपल क्वेश्चन। कर लोगे? तो सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट इसको बोल सकते हैं हम लोग। आप ये याद रखिएगा भाई, डायग्राम देखो ढंग से एक बार, उसमें ये देखोगी कितनी चीज़ें नीचे लग रही हैं, कितनी चीज़ें ऊपर लग रही हैं। यहाँ पर इस तरफ देखिए, इस तरफ नीचे कितनी लग रही हैं? नीचे नीचे एक M1, M1 जी नीचे है और A नीचे है, T ऊपर है, तो पक्की बात जहाँ पे ज़्यादा नीचे होंगे वहीं ज़्यादा होंगे भी। तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं इस वाले से भी, कर लोगे? ये वाले भाई ऊपर दो लग रही हैं, नीचे एक लग रही है, तो ऊपर वाले ज़्यादा होंगे।
कर पाओगे? देखिए अब सीधी सी बात यह है, एम वन जी और टी में से बड़ा कौन है? एम वन जी बड़ा नीचे वाले जाता है यहाँ पे, एम टू जी और टी में से बड़ा कौन है? टी बड़ा है। अब कितना बड़ा है कैसे निकालते हैं? बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं, यस और नो। और ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स में से फोर्स माइनस करूँगा आंसर क्या बनेगा? फोर्स का ही बनना है। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। बड़े सिंपल टॉपिक, अगर आपने इसको समझ लिया तो क्या है? कुछ भी नहीं है। डायग्राम बना चुके हो? लिखिए, फिर लिखिए भाई, लेट एम वन एंड एम टू आर द मास ऑफ द बॉडीज भी, एम वन एंड एम टू आर द मास ऑफ द बॉडी विच आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन जी धागा होता है, विच आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, देखिए विच आर कनेक्टेड विद एंड्स ऑफ स्ट्रिंग भी, ई एन डी एस, एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, एंड से जुड़ी हुई हैं सारी धागे से, एंड से कर लोगे, एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड पास ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, पास ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली, कहाँ से पास कर रहे हैं? पुली से पास कर रहे हैं अभी, पास ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। समझ में आया कि नहीं आया अभी? कर लोगे डायग्राम ये सब कुछ। अब देखिए, अभी मैं पहले बॉडी फॉर मास के लिए चेक करते हैं, फॉर मास एम वन ले लेते हैं हम लोग, हो सकता है क्लास देखिए बुक में इसको एम वन ले रखा हो, इसको एम टू, आप ये मत होना कन्फ्यूज नहीं होना बुक वाला से, इनको कुछ भी हो सकता है। तो लिख लीजिए फॉर मास एम वन भी, मैं एम वन के लिए कर रहा हूँ पहले, फॉर मास एम वन भी, एम वन मास यहाँ पे है, तो मेरे को बताइएगा एम वन जी बड़ा कि टी बड़ा? एम वन जी बड़ा, तो क्या करोगे? बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं, एम वन जी माइनस टी, कितना बड़ा? एम वन जी माइनस टी, फोर्स में से फोर्स माइनस किया गया, आंसर किसका आना है? फोर्स का ही आना है। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सा मास यूज कर रहा हूँ? एम वन, कितना एक्सेलरेशन है? यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ले सकते हैं एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन भी, एनी प्रॉब्लम क्लास? अब फोर मास एम टू कर लेते हैं, फोर मास एम टू, एम टू मास पे चेक करो जल्दी से, कौन बड़ा भाई? टी बड़ा कि एम टू जी बड़ा? टी बड़ा है, ऊपर ज्यादा लग रही है चीजें, तो टी माइनस एम टू जी, ये सर नो, टी बड़ा, कितना बड़ा? तो एम टी माइनस एम टू जी, फोर्स में से फोर्स माइनस किया, आंसर फोर्स का ही आना है। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एम टू यूज कर रहे हैं भाई, यस और नो। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? टी माइनस एम टू जी मन इज इक्वल टू एम टू ए, इक्वेशन नंबर सेकंड, एनी प्रॉब्लम? यस और नो, डायग्राम काम पूरा हो चुका है, समझ में आया डायग्राम भाई? कोई दिक्कत है किसी को? अब हम या सर ना, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो टी कैंसिल कट जाएगा भाई, सिर्फ ए बच जाएगा, तो ये निकाल सकते हैं। लिख लीजिए पहला इसमें लिखिए, एडिंग वन एंड टू, वन एंड टू को ऐड कर दो भाई, ऐड करने आते हैं, लेफ्ट के एडिशन लेफ्ट के साथ, राइट के एडिशन राइट के साथ भी, कैसे लिखोगे बताइए जल्दी से? एम वन जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए, यस और नो? चेक करो सही लिखा है, टी से टी काट दूं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? जी कॉमन है, कितना आएगा? एम वन माइनस एम टू इन टू जी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन है भाई? ए कॉमन है, कैसे लिखोगे? एम वन प्लस एम टू इन टू ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? एम वन माइनस एम टू इन टू जी बाई एम वन प्लस एम टू वी, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वी। क्या आपको एम वन एम टू पता है? आपको दे रखो कितना मास की बॉडी, इतनी मास की बॉडी निकालो भाई, सब कुछ पता मेरे को, अपने इजीली निकाल सकते हैं किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी या ऊपर जाएगी,
यस सर नो, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सिंपल है? यस सर। निकलना है? यस सर। अभी एक तो तरीका ये है कि एक अवेल पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में सोल्व कर लो भाई, टी निकाल लो। सिंपल तरीका ये भी है, हम जो करते हैं ना 9th-10th क्लासेस के अंदर करते हैं सर, इग्नोर कर लेते हैं। इतना हो गया, लिखिए डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना आता है। लेफ्ट का डिवाइड लेफ्ट के साथ, राइट का डिवाइड राइट के साथ। M1G - T डिवाइड बाय T - M2G, यस और नो, इज इक्वल टू M1A डिवाइड बाय M2A। ऐसे काट दूं? यस और नो, ये कट गया, बच गया टी, सिर्फ टी निकालना है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है? yes, कर दो फिर, कितना आएगा यहाँ पे? M1 M2G - M2T, यस और नो, इज इक्वल टू यहाँ पे भाई M1 M2G, एक तरफ T वाले जाए, एक तरफ T2 वाले, सॉरी दूसरे वाले, यहाँ पे ले आते हैं T वालों को, इकट्ठा कर लेता हूँ। अगर यहाँ से लेके आऊँगा तो T वाला, या उस तरफ ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे, मर्जी आपकी, कैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे नहीं, बाद में मेरे को माइनस को निकालना पड़ेगा, उस तरफ ले जाता हूँ उसको मैं। यहाँ पे इकट्ठे करो भाई बिना T वाले, M1 M2G, वहाँ से क्या आएगा? प्लस M1 M2G प्लस आएगा ना। यहाँ पे क्या है? M1T यहाँ से जाएगा, प्लस का जाएगा M2T, सही लिखा है। ये कितना हो गया भाई? 2 हो गया, 2 M1 M2G, और वहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? T कॉमन है भाई, तो कितना हुआ? M1 + M2, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ T? 2 M1 M2G / M1 + M2, यस और नो? दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। वे क्या आपको M1 M2 पता है? ये तो आप इजी निकाल पाते हो कि कितना टेंशन होगा स्ट्रिंग्स के अंदर। कितने मास बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ये पुली है भाई, ये मास 5 किलोग्राम का है, इस पर एक मास अटैच किया गया है, इट इज 7 किलोग्राम, फिर एक रस्सी बांधी हुई है, फिर एक मास अटैच किया गया है 2 किलोग्राम, क्या 3 मास हो गए? यस सर नो। अब एक ये तो एक रस्सी है, इनकी टेंशन सेम रहेगी, यस सर नो, इसको T1 ले लूँ, इसकी टेंशन अलग होगी भाई, T2, बॉडी नीचे आएगी A, बॉडी ऊपर जाएगी A, दो नीचे आएंगे दोनों एक खा जाएंगे नीचे, तो भाई तो एक वैल्यू तो सेम रहेगी दोनों कंडीशंस के लिए। क्वेश्चन है फाइंड A T1 T2, निकालो। पहले तो क्या निकाल लो? A निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा, यस और नो? फार्मूला क्या था एक्सेलरेशन का अभी किया था? अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो दोबारा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली चीज़ बढ़िया होंगी, ये वाली चीज़ ऐसे कर करके। आप जब इसको निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन दोनों तरफ का सेम, मतलब ये कंप्लीट एक बॉडी मानना होने पड़ी आपको। कितने मास की बॉडी है भाई? 9 kg का, ठीक है, करो। फार्मूला क्या बनता था? ए का फार्मूला M1 - M2 × G M1 + M2, यस और नो? यही है। तो देखिए ये मास कितना क्लास? 9 kilograms, तो A इज इक्वल टू 9 - 5 × G को 10 ले लूँ सिंपलिसिटी के लिए, और डिवाइड बाई 9 + 5 कितना हो गया? 14, यस और नो? तो कितना हुआ भाई? 40 by 14, सॉल्व करो, यूनिट मान लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? कर लोगे? अब आपको निकालना है T1 और T2 भाई, तो पहले ये T2 निकाल लो। निकाल सकते हो T2? कैसे निकालोगे? बॉडी नीचे जा रही है,
इसका मास कितना? सिर्फ इसका मास भी, इसका 2 × 10 कर दूं, mg भाई, mg 2 × 10 समझ में नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? ये m1 g m2 g लिखते थे, मास कितना है? 2 × g कितना है? 10 ले रहा हूँ, 20 हो गया, 20। क्या t2 से बड़ा है? नीचे आ रही है, यस और नो? कितना बड़ा है? 20 t2 से बड़ा है। कितना फोर्स? मास कितना है भाई? 2। और कितना एक्सेलरेशन है? 2.8। मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो? तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? m2g लिखा था ना, m1g ग्रेटर देन t, कितना है फोर्स में से? फोर्स गया, फोर्स आया, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो निकाल लिया 2.8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी उस तरफ ले जाएं या इस तरफ ले आए? 20 माइनस कितना हो गया? 6, 5.6 इज इक्वल टू टी। सोल्व कर लो, हो गया, कौन सा टी है ये? t2 है भाई, t2 आ गया। यस और नो? समझ में आई कि नहीं आई? t2 की वैल्यू कितनी आई क्लास? ये t2 है, t2 की वैल्यू आई 14.4 न्यूटन्स फोर्स है। एनी प्रॉब्लम? कर पाओगे? क्या t1 निकाल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है किसी, आपको कंसेप्ट पता है ना, हम एक ही चीज ले ले रहे हैं इस पहले इसको। अगर मेरे को ये निकालना तो ये निकालना, तो ये पकड़ लिया सिर्फ मैंने। अभी ये निकालना है तो क्या पकड़ें? ये पूरा करना पड़ेगा मेरे को भाई कंप्लीट। इसकी वजह से भी तो है, इस धागे में खिंचाव किसकी वजह से हो रहा है? इन दोनों वजह से तो हो रहा है, ये थोड़ी, ये अलग थोड़ी है, ये रस्सी रस्सी बंधा हुआ है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब की बार t2 निकालना है, सॉरी t1 निकालना है। कैसे निकालना है बताइए? t1 निकालने के लिए अब मेरे को बताओ, देखिए ये जो वेट है कंप्लीट वेट, ये t1 से बड़ा है कि छोटा है भाई? बड़ा है। ये इसको नहीं करना, इससे कर लो। क्या t1 5 kg वेट से छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। तो लिख दो t1 माइनस 5 × 10 m2g फोर्स माइनस फोर्स, फोर्स का बनना है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास भाई? 5 यूज कर रहा हूँ, 50 हो गया, इज इक्वल टू 5 × कितना एक्सेलरेशन है भाई? सेम ले रहा है हम लोग, 2.8 था, 8। यहाँ पे ले जाओ, t1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, प्लस 50 कितना हो गया भाई? तो t1 इज इक्वल टू 64 न्यूटन्स। कोई मुश्किल है? मर्जी यहाँ से निकाल, तो भी आंसर आना, देखना इससे निकाल लो तब भी आंसर आएगा। कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? दिस इज कनेक्टेड मसल्स भाई, जितनी बॉडी नीचे जाएगी यहाँ से उतनी ये ऊपर भी तो जाएगी, दोनों तरफ एक वैल्यू क्या होगी? सेम होगी भाई, यस और नो?